हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में जेड प्लांट की आप कटिंग लगा लें या आप रिपोर्टिंग कर लें या आप इसकी कोई आकृति बना लें, यानी मोर वगैरह ये और बोनसाई बना लें। इस टाइम पे ये सारे काम अच्छे तरीके से हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छी सरवाइव भी करता है प्लांट। और जिस तरीके से देखिए, ये मेरा एक प्लांट है और ये इसका आज हम देखिए, ये दो ब्रांचें हैं इसके अंदर और ये दो ब्रांचें ये अच्छी मोर की शक्ल ये ले लेगा और ये जब पूंछ का हिस्सा हो जाएगा और ये आगे सिर का हिस्सा हो जाएगा। तो ये हम दूसरे पोर्ट में अच्छी तरीके से रिपोर्ट करेंगे इसको और ये करीब दो ढाई साल के अंदर काफ़ी मोटी ये ब्रांचें इसकी हो जाएंगी। जिस तरीके से देखिए, अब हमने ये प्लांट लगाया है, ये बोनसाई अभी हमने 8-10 दिन पहले ही इसको रिपोर्ट किया है और ये भी इस तरीके से ही लगा हुआ था। पहले मैंने इसको छोटे पोर्ट के अंदर लगाया था और उसको जब ये ब्रांच थोड़ी मोटी हो गई तब हमने इसको खड़ा करके और बोनसाई की जो वो शक्ल थी वो मैंने इसको दे दी। अब ये इसको हम ये पत्थर जो रखे हैं तो इसको रोकने के लिए रखे थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके रूट जो हैं वो चलने लगे हैं और ये बेहतरीन किस्म का बोनसाई लुक इसके अंदर आ चुका है, तो इसको तो हम अलग रखते हैं। और साथियों, ये जो देखिए आप, ये हमारे पुराने दोनों प्लांट हैं और ये बहुत ही अच्छे बोनसाई बन चुके हैं और बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं ये। और इनका जो हम बस प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं और इसको खाद पानी वगैरह देते रहते हैं, ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर डालते हैं, ऐड करते हैं। और वैसे तो कोई ख़ास खाद इसमें नहीं दी जाती है और ज़्यादा पानी जो है इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। और पड़ना क्या, असल में बरसात का पानी इसको नुकसान नहीं करता है, उसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। प्लस इसके अंदर पानी ठहरे ना, क्योंकि ये भी एक सकुलेंट प्लांट है और उसकी वजह से अगर इसमें प्लांट में पानी इसके पोट के अंदर भर गया तो ये गलने का इसका भी चांस बन जाता है और ये भी बहुत जल्दी मर जाता है। बस इसकी जो केयर है वो इसके अंदर पानी ना भरे। और वैसे पानी आप इसके अंदर पूरी बरसात में रखा रहेगा कोई नहीं, बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन सिर्फ पानी अगर भर गया तब ये गलता है, वैसे नहीं गलता है। और ज़्यादा कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा आप इसके अंदर आप काउडन वगैरह या बर्मी कंपोज हो या और कोई भी कंपोज आपके पास है, लीफ कंपोज वगैरह हो, तो वो आप मिलाकर और उसके अंदर आप इसको रिपोर्ट कर दें। अब जिस तरीके से ये प्लांट हमने देखिए निकाला है, ये हमने पोर्ट लिया है इसका, इस पोर्ट में हम इसको एक लगभग एक साल लगाएंगे और ये जो ब्रांचें इसकी हैं ये काफ़ी मोटी जब हो जाएंगी तब ये प्लांट अच्छा सर्वाइव करेगा। तो इसकी हम सॉइल निकाल देते हैं साथियों, जिसमें ये लगा हुआ है, और फिर हम ये वाली सॉइल इस्तेमाल करेंगे इसकी। तो इस सॉइल से हम इसको निकाल लेते हैं। इसका पोर्ट दरअसल हमने निकाल लिया है वो किसी और काम के लिए। अब ये देखिए, इसके अंदर इतनी ढेर सी रूट निकली हैं, तो चाहे तो इतनी रूटों को आप ये तोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इनके इस टाइम पे रूट की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी रूट जो बारीक बारीक हो रही हैं, ज़्यादा ऐसी हो रही हैं, इनको आप जब तोड़ देंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और ये देखिए आप, ये हिस्सा जो है आगे का बन जाएगा चोंच का और ये इसकी ये पूंछ बन जाएगी। ये बहुत ही प्यारा ये मोर बनेगा, बहुत अपने आप से ये लुक इसने ले लिया था। एक ब्रांच इधर को चली गई और एक इधर से, जो मेन ब्रांच है वो ये बड़ी वाली है और ये साइड से ब्रांच निकली है, तो इसको हम ये बीच के अंदर घना कर देंगे और इधर का जो हिस्सा शेप शक्ल इसकी देके कुछ हमने यहाँ पर भी कटिंग लगानी है अलग से, ताकि ये पेट का जो हिस्सा है वो अच्छी तरीके से फूला हुआ दिखाई दे, खूब बड़ा पेट का हिस्सा, पेट और पर। और ये जो हिस्सा है इसको इस तरीके से करके और ऐसे मोड़ेंगे और ये इसकी चोंच बना देंगे ऐसे करके, तो ये बेहतरीन किस्म का मोर की आकृति बन जाएगी। और ये सारी ब्रांचें हम आगे की तरफ ऐसे बांध देंगे इसको इस तरीके से, तो ये बेहतरीन किस्म का ये मोर हमारा बनेगा। तो साथियों, क्या करना है कि ये हमने जो सॉइल ली है, इस सॉइल में हम ये इतना काउडन मिलाएंगे, ये काउडन हमने मिलाना है और अच्छा खासा ढेर सा हमने मिलाया है इसके अंदर, ताकि इस बरसात के अंदर ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले ले और अगली साल ये इसका जो आकृति है हम तैयार कर दें या दूसरे पोर्ट में, सेलो पोर्ट में लगाएं इसको। एक साल के अंदर ही हम इन्हें इसको, ये इसका स्टंप है ये काफ़ी मोटा करना है, जैसे इसके देखिए आप कितने मोटे मोटे स्टंप हैं,
तो इसी तरीके से जब इसका स्टंप भी मोटा हो जाएगा तब ये बहुत ही अच्छा, जिस तरीके का आप इसको लुक देना चाहें तार के जरिए वायरिंग के जरिए आप इसका लुक बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा मोर या बना सकते हैं या कोई भी आकृति आप देना चाहें। और प्लांट हमने अभी 3-4 दिन पहले, 8 दिन करीब हो गए होंगे जब हमने कुछ प्लांट रिपोर्ट किए हैं, 3-4 प्लांट, उसके अंदर हम अलग अलग किस्म की आकृतियां देंगे। तो ये हम पहले मोर के लिए, जैसे हमने एक मोर का और बनाया था वो हमारा बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अभी वो हमने उसको उठाकर एक साइड में रख दिया है, वो बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करने लगा है, तो वो अगली साल वो भी तैयार हो जाएगा और उसकी उसका बेहतरीन किस्म का फिर हम उसकी मोर की बिल्कुल प्रूनिंग वगैरह करके और वायरिंग करके बिल्कुल मोर की शक्ल उसकी बना देंगे। तो इस तरीके से साथियों ये सॉइल में हमने मिला लें इसको अच्छी तरीके से, और ये हमने इसके अंदर कॉटन मिला लिया है और अब इसमें हम पोट में भर देंगे ये, और पोट में भर के इस प्लांट को हम देखते हैं कैसे रखना है। इसको तो कैसे ही सीधा करके इसे लगा देंगे, ताकि हमें तो वैसी शक्ल बनानी है बाद में, और वो वायरिंग के जरिए भी काम हो जाएगा। तो पहले तो हमने सिर्फ इसको रिपोर्ट करना है, और इसके जो बारीक रूट थे वो हमने काफ़ी निकाल भी दिए हैं, और बरसातों में अगर इसके रूट निकाल देंगे तो कोई प्लांट शॉर्ट में नहीं जाएगा और बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करता रहेगा। बस 8 दिन के अंदर ये ग्रोथ पकड़ लेगा और अपनी अच्छी ग्रोथ करने लगेगा, और साल भर के अंदर ये स्टंप इसके काफ़ी मोटे टाइप के हो जाएंगे। दरअसल 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसी बारिशों में कोई भी आप कटिंग वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, बिगनबेरिया की कटिंग लगा लें, जो भी कटिंग इस टाइम पे हर कटिंग चल जाती है, क्योंकि लगातार बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है, और अभी और जो मौसम विभाग है वो अभी और बता रहा है लगभग 8 दिन तक लगातार बारिश होगी। तो अगर 8 दिन होगी तो ऐसे में सारी कटिंग जितनी भी आप लगाएंगे सबकी सब चल जाएगी, और ख़ास तौर से जेड प्लांट जो है वो उसकी जैसी चाहे वैसी आकृति आप इसकी बना लें आप। और इसके अंदर भी हमें इसे पत्थर रखने पड़ेंगे, अब इसके अंदर से हम पत्थर उठा लेते हैं, और क्योंकि ये अब रुक गया है और इसने ग्रोथ भी ले ली है, तो ये पत्थर हम अब इसके अंदर रखेंगे ताकि ये हमारा ठहरा रहे, हिले जुले ना, और ये 3-4-5 दिन के अंदर ही ये अच्छी किस्म की वो ले लेगा, ग्रोथ शुरू कर देगा अपने रूटों पर। अब ये देखिए रुक गया है बिल्कुल, तो साथियों देखिए इसमें से हमने पत्थर उठा लिए हैं, अब पत्थर की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इसके रूट जो हैं इस प्लांटर में चल पड़े हैं और अपने रूट के बलबूते पर अब ये खड़ा हो चुका है, अब ये ग्रोथ भी करने लगा है, क्योंकि बरसात के टाइम पे जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं जेड प्लांट भी, तो सिर्फ इसके अंदर पानी जो है वो भरना नहीं चाहिए, अगर पानी भर गया तो इनके गलने के चांस हो जाएंगे, और अगर नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हो तो वो भी सर्वाइव नहीं करेगा, और अगर पानी भर गया तो, और वैसे बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, और कोई नहीं खुली बरसात में आप इसको रखिए और ये बहुत प्यारा किस्म का चलेगा, और ये हमारे बोनसाई देखो खुली बरसात में ही रखे हुए हैं, और इस पर कई बारिशें लगातार होती रहती हैं, अब ये मुस्तकिल रखे रहेंगे, सिर्फ इनके सेलो पोट हैं और इसकी जो मीडिया है वो वेल्डन है, वो कोई भी किसी किस्म का नुकसान इसमें नहीं हो रहा है, और अगर पानी भर जाएगा तो इनको मरने के चांस इनके बन जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों ये हमारा मोर का आज हमने रिपोर्टिंग कर ली है, अब कुछ प्लांट हमारे पास और भी हैं ऊपर, तो वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो उनकी भी स्टंप काफ़ी मोटी मोटी किसी में हो गई है, तो इस वजह से उनकी भी हमने देखना है किस किस्म की आकृति बनाएंगे या टुपारी बनाएंगे, वो सब कुछ हम आगे चल के देखते रहेंगे, हम धीरे धीरे करके एक एक दो दो प्लांट अपने बना के ढेर सारे हम जेड प्लांट के बोनसाई और टुपारियाँ तैयार करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका शौक भी है और काफ़ी अच्छा भी लगता है गार्डन के अंदर, ये इनके बोनसाई बड़े खूबसूरत लगते हैं, और इनकी जो आकृतियाँ हैं मोर वगैरह हिरन और भी चिड़ियाँ बनाते हैं तो वो बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो इस वजह से हमने भी शौक लगा है, अब हम भी इनको इस तरीके से बना के और ढेर सारे अपने ये जेड प्लांट और भी बोनसाई मैंने बनाए हुए हैं, बरगद का है हमारे पास काफ़ी पुराना 35-40 साल पुराना बरगद का एक बोनसाई है, हमारे पास 10-12 साल पुराना
उसका फाइकस का बॉन्साई है, एक पिलखन का बॉन्साई है, यानी और बिगनबेलिया के काफ़ी बना रखे हैं। तो बहुत बेशुमार हमारे बॉन्साई के भी उसी तरीके का शौक है जिस तरीके का हम अडेनियम वगैरह हम करते हैं। और पेड़ पौधों का हमें बचपन से शौक रहा है, असल में हर किस्म की हमें। अभी हमने लोनिया देखी कितनी भागा दौड़ी करके हमने ये इकट्ठा करी है, और ये देखिए सारे में और कितने कलर इसमें हमने इकट्ठा कर लिए हैं, कितने ज्यादा कलर हमारे पास। ये देखिए गुलाबी, ये इसका ओरिजिनल कलर जो पहले पुराने टाइम से चला रहे हैं। येलो में बहुत ही प्यारे प्यारे, ये ऑरेंज है देखिए कितना प्यारा, और ये लाल है सुरख बिल्कुल, ये लाल, ये काफ़ी कलर हैं हमारे पास ये। और वाइट वगैरह वाइट में है, और ये जो पुरानी तीन नस्लें थीं ये भी हैं हमारे पास, और एक वाइट में आता है जिस पे चित्ती वगैरह पड़ी होती हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो इस टाइम पे आज खिला हुआ नहीं है, कल उसके काफ़ी फूल खिले हुए थे लेकिन आज वो हमारे ख्याल नहीं खिला है। तो इस तरीके से हमारी ये नोनिया है इस टाइम पे फुल तैयारी पे है। बरसातों का तो इसका रौनक ही है, ज़्यादातर ये अच्छे फूल बरसात में ही देती हैं, और अब जितने ही दिन बीतेंगे उतना ही इसके अंदर वर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे और फूल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, यानी ये लगभग बरसात की पिटूनिया समझो आप इसको, चटक कलर होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।